केंद्रीय वित्त और पेट्रोलियम मंत्री के सुझाव के बाद राज्य सरकार पेट्रोलियम उत्पादों से 5% वैट घटाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने दी जानकारी, कहा दीपावली के पहले प्रदेश के लोगों को तोहफा जरूर मिलेगा। वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री जयंत मलैया भी पेट्रोलियम उत्पादों से वैट घटाने के दे चुके हैं संकेत। प्रदेश सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को लेकर कर रही है काम। खेती की लागत को कम कर फसल उत्पादन बढ़ाने पर किया जा रहा है काम। संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में भाग लेते हुए किसानों को जैविक खादों के उपयोग करने की भी सलाह। प्रदेश में सूखे की परिस्थितियों पर विचार करने के लिए शनिवार को राज्य स्तरीय सूखा समिति की बैठक होगी। प्रदेश के बुंदेलखंड, महाकौशल और चंबल अंचल में कम बारिश से इस वर्ष भीषण सूखा पड़ने की आशंका। और के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मुद्रा योजना शिविर का हुआ आयोजन। योजना के तहत 5000 से अधिक हितग्राहियों को किया गया ऋण वितरण। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत भी हुए शामिल, कहा मुद्रा योजना से युवाओं में उद्यमिता का हुआ है विकास। सरकार जीएसटी संबंधी हर कठिनाई को करेगी। वीरांगना रानी दुर्गावती की जयंती के अवसर पर दमोह में आयोजित हुआ कार्यक्रम। सांसद प्रहलाद पटेल सहित आदिवासी समुदाय के लोगों ने वीरांगना रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि देकर उनके अप्रतिम शौर्य और बलिदान को किया याद। वाल्मीकि जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महर्षि वाल्मीकि जयंती पर उज्जैन के सिद्धपीठ मंदिर में भगवान वाल्मीकि की प्रतिमा का किया अनावरण, कहा भगवान श्री राम की छवि को मानस पटल पर अंकित करने वाले हैं महर्षि वाल्मीकि। शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रदेश भर में अनेक सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन। खंडवा में संत सिंगाजी महाराज के दरबार में पहुंचे लाखों श्रद्धालु। स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह भी हुए शामिल। कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन ने आदिवासी बाहुल्य बैहर, बिरसा और परसवाड़ा में शासकीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। अधिकारियों से योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया जोर। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने और निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा करने के लिए निर्देश। सुरक्षित बचपन सुरक्षित भारत के संकल्प को लेकर समाजसेवी कैलाश सत्यार्थी की यात्रा पहुंची विदिशा। अपने गृहनगर में नोबेल पुरस्कार विजेता समाजसेवी कैलाश सत्यार्थी ने लोगों को किया जागरूक, कहा नैतिक और मानवीय मूल्यों के पतन के कारण हर घंटे 2 बच्चे यौन उत्पीड़न का हो रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सत्य सेवा संगठन के भक्त सम्मेलन में हुए शामिल। सत्य साईं बाबा के आदर्शों को अपनाने पर दिया जोर। जन कल्याण और विकास के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों से लोगों को कराया अवगत। प्रदेश में आज से प्रतिभा पर्व का हो रहा है आयोजन। राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने विभिन्न स्कूलों के 27 प्रतिभावान विद्यार्थियों को किया सम्मान। आदिवासी बहुल अलीराजपुर जिले की जनपद पंचायत सोनवा बांह शौच मुक्त। 74 ग्राम पंचायतों के 134 गांव में शौचालय निर्माण कार्य हुआ पूरा। स्वच्छ जनपद पंचायत बनाने की खुशी में निकाली गई गौरव यात्रा। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रेलवे की जर्जर हो चुकी पटरियों को बदलने के लिए जल्द ही शुरू होगा काम। विश्व स्तर पर निविदाएं की जाएंगी आमंत्रित। ट्रैक के आधुनिकीकरण करने से लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार। फीफा अंडर 17 विश्व कप की आज से नई दिल्ली में शुरुआत। भारत का पहला मैच अमेरिका से। दुनिया भर के 24 देश ले रहे हैं हिस्सा। मैच से पहले स्टेडियम पहुंचे केंद्रीय खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर तैयारियों का जायजा लेने। और जमकर तप रहा है अक्टूबर का महीना। 8 साल बाद दिख रहा है मौसम का गर्म मिजाज। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बन रहे वेदर सिस्टम के कारण वातावरण में एक बार फिर बारिश के आसार।